बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। इलेक्ट्रिकल सीरीज़ की वीडियो कार हीटर के बारे में, सर्किट की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन, सिस्टम कैसे काम करता है, ट्रबल शूटिंग और सर्किट की डिज़ाइनिंग, हर एक चीज़ के ऊपर बात की जाएगी। हीटर सर्किट इम्पॉर्टेंट है कार का, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और हीटर सर्किट की ट्रबल शूटिंग, हीटर सर्किट की रिपेयर, ये एक अहम चीज़ है आपके लिए। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप दोस्तों से कि वीडियो पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन हमेशा ही बहुत सारे दोस्त इसको स्किप कर जाते हैं, देखते नहीं हैं। तो अगर आप देख लेंगे तो आपका अपना ही फ़ायदा है, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपका अपना ही फ़ायदा है, आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। तो देखते रहिए चैनल को, लाजमी से सब्सक्राइब करें, आल पर घंटी का निशान दबाएँ, आल करें, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलती रहें और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, कार हीटर के बारे में, ये हीटर सबसे पहले जान लीजिए कि हीटर कैसे काम करता है। जब आप गाड़ी में सफ़र करते हैं सर्दियों के दौरान, तो आपको हीटर की ज़रूरत पड़ती है। हीटर इस तरीके से काम करता है कि गाड़ी का कोई भी हीटर, किसी भी गाड़ी का इलेक्ट्रिकली काम नहीं करता। इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत इसको होती है, लेकिन जो हीटिंग होती है वो इलेक्ट्रिकली नहीं होती, बल्कि वो आपका जो इंजन गर्म हो रहा होता है, जो इसके अंदर फ्यूल जलता है, उसकी वजह से जो इसके अंदर कूलेंट चलता है या पानी जो चलता है, जो रेडिएटर के अंदर आप डालते हैं, वही कूलेंट अंदर की तरफ सर्कुलेट होता है और अंदर गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड के नीचे एक हीटर कोर होती है। वो हीटर कोर जो है वो उसके साथ एक ब्लोअर पंखा लगाया जाता है, वो पंखा उसकी हवा को, गाड़ी की जो हवा है अंदर कैबिन की, पैसेंजर कैबिन की या गाड़ी के अंदर की, वो हवा को सर्कुलेट करवाता है ब्लोअर उस हीटर कोर में से, और हीटर कोर के अंदर गर्म पानी सर्कुलेट करता है। तो उसकी गर्मी जो है इंजन की, वो आप गाड़ी के अंदर ले आते हैं और गाड़ी के अंदर का एटमोसफेयर गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट फील होती है, आप आरामदेह महसूस करते हैं और आपको ठंड नहीं लगती। तो ये था सिस्टम जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। और बिजली की ज़रूरत किस में पड़ती है? बिजली की ज़रूरत ब्लोअर को चलाने के लिए, और जो इसका इंटरनल सर्वो मोटर होता है उसको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और ये इसका सर्किट है जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से काम करता है। 12 वोल्ट डीसी, जाहिर सी बात है गाड़ी का सिस्टम 12 वोल्ट पे होता है, तो 12 वोल्ट का सिस्टम है और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से काम करता है। पूरी तफसील इस वीडियो में आएगी। तो हमेशा की तरह सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें शामिल हैं। सबसे पहले HTR रिले है, ये 5 पिन का रिले है, जैसे कि आम रिले 4 पिन के होते हैं, लेकिन ये 5 पिन का है। कॉयल और 3 कॉन्टैक्ट के पॉइंट, यानी एक सेट कॉन्टैक्ट का होता है जिसके 3 पॉइंट होते हैं, तो टोटल मिला के 5 पॉइंट बन जाते हैं HTR रिले के। उसके बाद ब्लोअर मोटर, ये 12 वोल्ट की मोटर होती है जो कि अंदर हवा को सर्कुलेट करती है। नेक्स्ट ब्लोअर स्विच, ये वो स्विच होता है जिसके ज़रिए, जिसकी 5 पोजिशंस हैं, ऑफ, लो, M1, M2 और हाई, ये 5 पोजीशन का स्विच है। और इसके ज़रिए आप अपने हीटर को ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं, स्लो करते हैं, हाई करते हैं या मिड पे लगाते हैं, ये वो स्विच है। इसके बाद आ जाता है ब्लोअर रेजिस्टर, ये वो रेजिस्टर है कि जिसकी मदद से, ये रेजिस्टेंसेस का एक मजमूआ है, 3 रेजिस्टेंसेस और एक फ्यूज़ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, और 4 इसके टर्मिनल्स हैं। इसके ज़रिए इसकी स्पीड्स मुतय्यन होती हैं ब्लोअर की, ये स्पीड जैसे कि आप लो, मीडियम और हाई करते हैं, हाई की में इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मीडियम 1, मीडियम 2 और लो, इसके ऊपर इन रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये वोल्टेज ड्रॉप पैदा करते हैं, इसके रास्ते में आते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस सर्किट के अंदर कैसे ये काम करता है। इसके बाद एयर इनटेक कंट्रोल सर्वो मोटर है, ये सर्वो मोटर कुछ मोटर्स में लगी होती है, कुछ में नहीं होती। याद रखिएगा, गाड़ी के एयर कंडीशनर, गाड़ी के हीटर एक तरह के नहीं होते, बहुत सारे डिज़ाइन के सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ में इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है, सिर्फ इस ब्लोअर मोटर को इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये चीज़ें उसमें नहीं होती, ये जो चीज़ है। और ये वैक्यूम के ज़रिए या इंजन एयर प्रेशर के ज़रिए कंट्रोल होने वाली चीज़ होती है, लेकिन यहाँ टोयोटा के अंदर या इस तरह की दूसरी गाड़ियों के अंदर ये मोटर के ज़रिए कंट्रोल होने वाली चीज़ है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये मोटराइज, अगर आपने ये सीख लिया तो आप वो सिस्टम भी समझ सकेंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद ये एक स्विच है, एयर इनटेक कंट्रोल स्विच, जो कि हीटर और एयर कंडीशनर को सेलेक्ट करता है कि आप हीटर लगाना चाहते हैं या आप एयर कंडीशनर लगाना चाहते हैं। इसकी 2 पोजीशंस हैं, FRS और REC। तो REC के ऊपर ये हीटर को कंट्रोल करता है, हीटर इस पोजीशन पे ऑन हो जाता है, और FRS के ऊपर
एयर कंडीशनर ऑन होता है। तो ये इसका काम ये होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये इस सर्वो मोटर को कंट्रोल कर रहा होता है। ये दो लाइनों के ज़रिए इस सर्वो मोटर को ये कंट्रोल करता है, और ये ग्राउंड और ये यहाँ पे आईजी सप्लाई। तो अभी हम बात करेंगे किस तरह से ये फंक्शन करता है। देखिए पावर, सबसे पहले अपनी पावर देख लीजिए। दो किस्म की पावर आ रही है, आईजी 10 एम्पीयर फ्यूज़ गेज फ्यूज़ के ज़रिए, और बीएटी बैटरी से डायरेक्ट पावर 40 एम्पीयर हीटर फ्यूज़ के ज़रिए यहाँ पे पावर आ रही है। ये बड़ा फ्यूज़ है जो कि इस पर्पल वायर के ऊपर पावर दे रहा होता है रिले के कॉन्टैक्ट को, और ये जो छोटी पावर है ये आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दो चीज़ों में। एक है यहाँ पे, तीन चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। एक है इस रिले के कॉइल को पहुँचती है डायरेक्ट, ये जंक्शन है। इसके बाद यहाँ से जाती है इस स्विच के ऊपर जो कि एयर इनटेक कंट्रोल स्विच है। इसके इस टर्मिनल पर ये LED रोशन करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये यहाँ पर इस वक्त आपका REC सेलेक्टेड है, इस मकसद के लिए ये दी होती है। अच्छा, इसके बाद तीसरी जो जगह है इसकी, ये वो सर्वो मोटर है जो कि हवा के बैफल को कंट्रोल करता है। असल में होता क्या है, ये जो सर्वो मोटर का कंट्रोल है ये करता ये है कि इसके अंदर एक प्लेट होती है बैफल में, जिसको फ्लैप भी कहते हैं इस तरह, या उसको विंग भी कहते हैं। वो प्लेट या तो एयर कंडीशनर के सामने आ जाती है या फिर हीटर के सामने चली जाती है। तो हीटर में हर वक्त गर्म पानी सर्कुलेट करता है, लेकिन जब प्लेट उसके सामने होती है तो उसमें से हवा नहीं गुजरती और एयर कंडीशनर का रास्ता खुला होता है। लेकिन जब इसको चेंज कर दिया जाता है, जब आप हीटर की पोजीशन पे लेते हैं, तो हीटर ओपन हो जाता है और यहाँ एयर कंडीशनर वाला बंद हो जाता है, और यहाँ से हीटर कोर की हवा जो है वो हीटर कोर में से सर्कुलेट करने लगती है, और हीटर की जो हीट है वो गाड़ी के अंदर आती है। ये इसका फंक्शन होता है, इस तरीके से काम करता है। अंडर डैश होता है, डैशबोर्ड के नीचे होता है ये सारा फंक्शन। अच्छा, अब कैसे काम करता है, सबसे पहले देखिए कि ये वाला स्विच जो है, अगर ये स्विच आपने REC के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ देखिए ये अगर REC के ऊपर आपने रखा हुआ है, इसमें दो सिलेक्शंस हैं FRS और REC। REC पे रखा है तो यहाँ देखिए इस सर्वो मोटर का ये वाला पॉइंट 7 नंबर का पॉइंट, ये ब्लू वायर, ये ग्राउंड के साथ इसके थ्रू मिल जाता है। तो जब ये ग्राउंड के साथ मिलता है तो सर्वो मोटर इसकी पोजिशन, प्लेट की पोजिशन को हीटर की तरफ ओपन कर देता है, एयर कंडीशनर की तरफ बंद कर देता है। ये स्लाइडर जो है ये यहाँ पे होता है, और ये इस वक्त ग्राउंड पे ये पॉइंट मिल रहा होता है, और ये सर्वो मोटर हीटर को ओपन करता है, हीटर को ओपन रखे होता है और एयर कंडीशनर को बंद कर देता है। ये इसका काम है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इस स्विच की तरफ, ब्लोअर स्विच। यहाँ से काम शुरू होता है, ब्लोअर की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है। जब ये स्लाइडर ऑफ पोजिशन पर होता है तो यहाँ देखिए ऑफ पोजीशन पे ये किसी कॉन्टैक्ट पे मिल नहीं रहा। ये कॉन्टैक्ट है, एक ये लंबा कॉन्टैक्ट है और एक यहाँ कॉन्टैक्ट, दूसरा तीसरा, ये तीन कॉन्टैक्ट यहाँ पे हैं। तो ये किसी कॉन्टैक्ट पे नहीं लगा हुआ, ना इस पे लगा है ना इस पे लगा है। तो जब हम इसको लो पोजीशन पे ले जाते हैं उस वक्त क्या होता है, ये ऊपर तो किसी कॉन्टैक्ट पे नहीं लगता, लेकिन नीचे ये वाले कॉन्टैक्ट पे यहाँ ग्राउंड मिल जाता है। ये देखिए ये ग्राउंड है, ये लंबी पट्टी जो है ये ग्राउंड है, और ये स्लाइडर जो है ये यहाँ आ जाता है, इस पे ग्राउंड लग जाता है। जब इस पे ग्राउंड लगता है तो क्या होता है, देखिए इस रिले को ग्राउंड मिल जाता है। जब रिले को ग्राउंड मिलता है ये कॉन्टैक्ट यहाँ चेंज होता है, ये कॉन्टैक्ट यहाँ आ जाता है, और इस बड़े फ्यूज़ से, ये 40 एम्पीयर के हीटर फ्यूज़ से पर्पल वायर के ज़रिए पावर आती है, इसके अंदर फ्लो करती है, पिंक वायर से होती हुई ब्लोअर मोटर में से आती है, गुजरती है ब्लोअर मोटर में से होती हुई इधर आती है। इधर जब ये आती है तो उस वक्त क्या होता है कि यहाँ अगर आ भी जाए तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट के ऊपर स्लाइडर नहीं लगा हुआ। तो ये इधर जाती है, इस स्प्लाइस में से होती हुई इधर आती है, पिन नंबर 1 पे इस रेजिस्टेंस के अंदर जाती है। यहाँ ये फ्यूज़ है, उसके बाद 3 रेजिस्टेंसेस इसके रास्ते में आती हैं, और फिर 3 रेजिस्टेंसेस से होती हुई इस ब्राउन वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाती है। 3 रेजिस्टेंसेस इसके रास्ते में आती है। तो बहुत लो स्पीड के ऊपर ये जो ब्लोअर है ये स्पिन करता है। जब ये लो स्पीड पे स्पिन करता है, आहिस्ता रफ्तार में घूमता है, तो आपको हल्की हल्की हवा डैशबोर्ड के जो आपके डक्ट्स हैं उसमें से हल्की हल्की हवा गर्म जो है वो आती है। गर्मी को ये कंट्रोल नहीं करता बल्कि हवा की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो हवा की स्पीड इनडायरेक्टली गर्मी को ही कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि जब हवा कम गुजरेगी हीटर कोर में से तो आपको कम हीट अंदर आएगी और हल्की हल्की सी हवा चलेगी। उसके बाद जब इसको आप M1 पे कर देते हैं इस कॉन्टैक्ट पे, तो फिर क्या होता है, देखें ये तो यहीं पे मिला होता है, रिले तो ऑन होती है, लेकिन साथ साथ ये स्लाइडर आके ये यहाँ पे टकरा जाता है M1 पे। ये ग्रीन वायर के ऊपर एक ग्राउंड मिल जाता है, ग्रीन वायर के ऊपर ग्राउंड इसके थ्रू मिलता है। देखें ये पावर इधर आई इस रेजिस्टेंस फ्यूज़ में से, इस रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस में से गुजरी, पहले 3 में से गुजर रही थी, दो रेजिस्टेंस में से गुजरी, इधर से होती हुई यहाँ से होती हुई इस स्लाइडर में से होती हुई यहाँ इस ग्राउंड में चली जाती है। तो ये इसके थ्रू इसको ग्राउंड मिलता है, मोटर की स्पीड हल्की तेज़ हो जाती है M1 पे। उसके बाद जब स्लाइडर को M2 पे लाया जाता है, उस वक्त इस ऑरेंज वायर के थ्रू एक रेजिस्टेंस रास्ते में आता है, एक रेजिस्टेंस
यहाँ पे स्लाइडर आ जाता है तो ग्राउंड हमने यहाँ पे दे दिया, ये ग्राउंड के साथ ये मुंसलिक होता है, तो ये देखें ये ग्राउंड के ऊपर चल रहा होता है। स्लाइडर जब यहाँ पे है तो एक रेजिस्टेंस रास्ते में आती है, मोटर कदरे तेज़ हो जाती है, मोटर कदरे तेज़ होती है M2 के ऊपर। उसके बाद जब हम स्लाइडर को चेंज करते हुए हाई पे ले जाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि किसी रेजिस्टेंस में से करंट नहीं गुजरती, बल्कि करंट सीधी इस इधर आती है, स्लाइडर इधर होता है, स्लाइडर में से गुजरती है, ग्राउंड में चली जाती है और मोटर फास्ट स्पिन करती है, तेज़ रफ्तारी से घूमती है और तेज़ हवा अंदर चलती है। ये हो गया इसका फीचर, ये हो गया इसका फंक्शन। अगर आपको हीटर की समझ आ गई तो ये बहुत ही अहम है। आगे एयर कंडीशनर को हम डिस्कस करेंगे। एयर कंडीशनर में तकरीबन ये सर्किट इस्तेमाल होता है, ये वाला सर्किट, ये पोर्शन आपका सारा ही इस्तेमाल होगा तकरीबन, और उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, ये रिले भी इस्तेमाल होगा, ये सारा सर्किट उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी सिर्फ पोजीशन बदल जाती है, पोजीशन FRS पे आ जाती है और इसकी पोजीशन बदल जाती है, बाकी सब वही होता है एयर कंडीशनर में, और कुछ चीज़ें इजाफी आ जाती हैं। तो हम आगे एयर कंडीशनर का सर्किट डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा देखिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे खुशी होगी आपका जवाब देते हुए। ये देखिए ये ग्राउंड यहाँ पे है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये देख लीजिए। तो मुझे खुशी होगी अगर आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। तो देखते रहिए वीडियो को, लाजमी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन गायब बगाए मिलती रहें और आप ऐसी बेहतरीन किस्म की वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।